स्वागत है मेरे सभी दोस्तों को हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डैम्स के बारे में देखेंगे। डैम्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें मेरा मतलब है कि हमने उस टाइम डैम्स को क्लासिफाई करा था पिछले वीडियो में। डैम्स को क्लासिफाई जब करा था तो आखिरी में बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एक्शन करा था हमने। तो स्ट्रक्चरल एक्शन के बेसिस पे जो हमने डैम्स का क्लासिफिकेशन करा था वो बस मैंने आपको नाम बताए थे। आज उन नामों के साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो चार बताए थे मैंने, एम्बैंकमेंट डैम, ग्रेविटी डैम, आर्क डैम और बटरस डैम। वो चारों के चारों हम आज डिस्कस करने वाले हैं और वो भी डायग्राम के साथ। डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखो एम्बैंकमेंट डैम की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो ये है ये डैम है, एम्बैंकमेंट डैम। ठीक है, देखो इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, यहाँ से ये ऊपर उठता है, ऊपर उठा होता है, यहाँ पे रोड होती है या वॉकवे होता है या पाथवे होता है और फिर ये ऐसे नीचे को आ जाता है। ठीक है, तो इसकी शेप कुछ ऐसे है। यहाँ इस तरफ ये हमारा अपस्ट्रीम साइड है, यहाँ पानी रहता है, और इसके इस तरफ हमारा डाउनस्ट्रीम साइड रहता है। ठीक है, ये बीच में इसमें इम्पर्वियस कोर लगा हुआ है। ओ सॉरी, ये है इम्पर्वियस कोर। ठीक है, ये पूरा ही शायद इम्पर्वियस कोर है। और बाकी एम्बैंकमेंट डैम जो है हमारे, इसको हम रॉक फिल डैम या अर्थ फिल डैम भी कहते हैं, क्योंकि ये रॉक या अर्थ को कॉम्पैक्ट करके बना होता है। यानी मिट्टी है उसको कॉम्पैक्ट करो, ठीक है, या रॉक है उसको कॉम्पैक्ट करो, तब जाके ये डैम बनते हैं। ठीक, तो एम्बैंकमेंट डैम, इसको अर्थ डैम या रॉक फिल डैम, अर्थ फिल डैम या रॉक फिल डैम भी कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉम्पैक्टेड सॉइल, अर्थ फिल और रॉक फिल विद एन इम्परवियस कोर। इसमें बीच में एक इम्परवियस कोर होता है, यानी जिससे पानी पास नहीं हो सकता, वो ये है। ठीक है, और बाकी ये अर्थ या रॉक को कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है। डिजाइंड टू ट्रांसफर एंटायर वाटर लोड डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है, देखो ये है, ये देखो यहाँ से ये वाटर लोड है, पानी का जो है, पानी का लोड यहाँ पे पड़ रहा है, पानी इसको प्रेशर यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और ये जो डैम जो है ये सारे के सारे प्रेशर को डाउनवर्ड ट्रांसफर कर देता है नीचे की तरफ। ये मतलब था इस लाइन का। ठीक है, आगे, यूज्ड टू रिटेन वाटर अक्रॉस वाइडर रिवर वैलीज और फॉर फ्लड कंट्रोल। इसका काम क्या होता है, ये पानी को रोकता है। कहाँ पर रोकता है, यानी पानी को रोकने के काम आता है जहाँ पे वाइडर रिवर वैलीज होती हैं, जहाँ पे नदी की घाटें जो है थोड़ी चौड़ी होती हैं, या फिर बाढ़ को रोकने का काम आता है। ठीक है, शॉर्टर एंड वाइडर देन अदर टाइप ऑफ डैम्स। इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, उससे पहले अगली लाइन देख लीजिए। 80% डैम्स इन यूएस आर एम्बैंकमेंट डैम्स। यूएस में लगभग 80% डैम्स जो हैं हमारे, वो सारे के सारे एम्बैंकमेंट डैम्स हैं, या अर्थ फिल डैम या रॉक फिल डैम है। और हमारे भारत में टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के टिहरी शहर में है, शहर कहूँ या टाउन कहूँ, वहाँ है, वो एम्बैंकमेंट डैम है। और बारासुरा सागर डैम लोकेटेड 21 किलोमीटर फ्रॉम कालपेटा। ठीक है, बारासुरा सागर डैम है जो कि कालपेटा से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, एम्बैंकमेंट डैम। अच्छा, एक लाइन आई थी शॉर्टर एंड वाइडर देन अदर टाइप ऑफ डैम्स। इसका मतलब मैं भी बता देता हूँ आपको। देखो बाकी डैमों के मुकाबले देखा जाए, अगर हम टॉप व्यू देखें तो ये हमारा ग्रेविटी डैम है, ये हमारा आर्क डैम है, देखो आर्क की शेप में होता है। ठीक है, ये हमारे बटरेस डैम है, यहाँ पे बटरेसेस होती हैं, और ये हमारा एम्बैंकमेंट डैम है, ये इसका रोड है और ये है। अब शॉर्टर, देखो अगर हम ऐसे में नापें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऐसे में तो ये बाकी डैमों के मुकाबले छोटा हो सकता है, पर अगर हम ऐसे में नापें, टॉप व्यू में हम अगर ऐसे में देख रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा वाइड यही डैम होगा, सबसे ज़्यादा चौड़ा डैम यही होगा ऐसे में। ठीक है, आ गई होगी लाइन समझ में, आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेविटी डैम, ठीक है, नंबर 2 इज ग्रेविटी डैम।
पहले मैं ग्रेविटी डैम का आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो ग्रेविटी डैम का डायग्राम। डायग्राम से बहुत मेहनत लगती है यार। वैसे भी मैं कोई आर्ट का स्टूडेंट हूँ नहीं और ड्राइंग मेरी कुछ खास रही नहीं है, बट मैं फिर भी पूरी मेहनत करके लिए आपके लिए ये बनाया है। ये देखो ग्रेविटी डैम कुछ इस टाइप का है, यहाँ से सीधा और यहाँ से ये टेढ़ा, और यहाँ पे शायद इसका ये पाथवे है ऊपर पे, ठीक है। ये इसमें तीन तरह की एंट्रेंसेस होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ डैम में, जो कि हमारी अगली वीडियो होने वाली है, ठीक है। पर फिलहाल के लिए ये आप ग्रेविटी डैम का वो देख लीजिए। अब देखो इसमें वाटर लोड ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, वाटर लोड ऐसे पड़ रहा है और ये ट्रांसफ़र कर रहा है इसको डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें भी वाटर लोड को डाउनवर्ड नीचे की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक। तो ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्टेड ऑफ कॉन्क्रीट, कंस्ट्रक्टेड ऑफ कॉन्क्रीट और स्टोन मेसनरी, ठीक है। ये कॉन्क्रीट से, कॉन्क्रीट या पत्थर की चिनाई करके बनाया जाता है, ठीक है। अगला है डिजाइंड टू ट्रांसफर एंटायर वाटर लोड डाउनवर्ड, जो कि मैं पहले ही आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ। वाटर लोड कुछ इस तरह से आता है और वो डैम पूरा का पूरा नीचे ट्रांसफर कर देता है। टिपिकली स्पैन ऑन, यहाँ पे ऑन भी होना चाहिए था। टिपिकली स्पैन ऑन नैरो रिवर वैलीज विद बेड रॉक एबटमेंट्स एंड फाउंडेशंस। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो उन सबको मतलब पहले समझ। नैरो का मतलब होता है पतला, ठीक है। बेड रॉक आपको पता ही है। एबटमेंट्स मतलब जहाँ पर ये मिलता है, बेड रॉक से मिलता है, या जहाँ पर ये डैम बेड रॉक से लगा हुआ है। फाउंडेशंस का मतलब है बुनियाद या जड़, बुनियाद या जड़, ठीक है। टिपिकली स्पैन ऑन नैरो रिवर वैलीज विद बेड रॉक एबटमेंट्स एंड फाउंडेशंस। ये पतली रिवर वैलीज बनाया जाता है, ये ऐसी घाटियों पे बनाया जाता है जो कि पतली हो और जिनका बेड रॉक, जो कि बेड रॉक से जुड़ा हुआ हो। टिपिकली स्पैन ऑन नैरो रिवर वैलीज विद बेड रॉक एबटमेंट्स एंड फाउंडेशन, ठीक है, जहाँ पे ये बेड रॉक से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और फाउंडेशन से भी, ठीक है, बुनियाद या जड़। ये ऐसी रिवर, ऐसी पतली रिवर वैलीज भी बनाया जाता है जो वैलीज बेड रॉक से जुड़ी हुई हैं और फाउंडेशन से भी जो कि जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अगला है रिटेन वाटर बाय यूटिलाइजिंग द वेट ऑफ डैम टू रेजिस्ट द हॉरिजॉन्टल वाटर लोड पुशिंग अगेंस्ट इट। ये डैम का वेट को का इस्तेमाल करते हुए ये वाटर के लोड को रोक लेता है, ठीक है। वाटर के लोड को ये झेल लेता है डैम का वेट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ से पानी हो रहा है और जब इतना बड़ा हमारा ये डैम होगा तो इसका लोड भी ज़्यादा होगा, और ये जो डैम का, इस पूरे डैम का जो लोड है, पूरे डैम का जो वजन है, वो इस पानी के लोड को सह लेता है। पानी यहाँ से जितना भी प्रेशर लगा रहा है, ये डैम का लोड उसको सह लेता है, ठीक है। ये है इस लाइन का मतलब। रिटेन वाटर बाय यूटिलाइजिंग द वेट ऑफ डैम टू रेजिस्ट द हॉरिजॉन्टल वाटर लोड पुशिंग अगेंस्ट इट। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाटर लोड है, ये वाटर लोड इस दिशा में है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ठीक है। तो जो डैम का वेट को यूज करा जाता है इस पानी को रोकने के लिए, तो या थामने के लिए, ठीक है। आ गई लाइन समझ में। अगली तरफ पढ़ते हैं। ईच सेक्शन ऑफ द डैम इज इंडिपेंडेंटली स्टेबल। अब इस डैम के पास इतना वेट होता है कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका हर एक हिस्सा जो है स्वतंत्र तरीके से मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, स्टेबल होता है डैम, ठीक है, हर एक हिस्सा। एग्जाम्पल है इसका भाखड़ा नंगल डैम, 226 मीटर का है यह डैम, और यह है अक्रॉस सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का यह फेमस डैम है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि 226 मीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। अब तीसरा डैम जो हम देखने जा रहे हैं वो है आर्क डैम, ठीक है। आर्क डैम ये भी कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का बना हुआ है, डिजाइन टू ट्रांसफर वाटर लोड टू द एडजेसेंट रॉक फॉर्मेशंस। अब इसमें फर्क क्या है, ये वाटर लोड को जो है अपने बगल वाले पत्थरों में ट्रांसफर कर देता है, बगल वाले रॉक फॉर्मेशंस होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको ट्रांसफर कर देता है। ये मैं अभी आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। कंस्ट्रक्टेड इन कैनियंस ओनली विद सॉलिड रॉक वॉल्स दैट आर एबल टू रेजिस्ट प्रेशर ऑफ द डैम।
ये ऐसी घाटियों में बनाया जाता है, कैनियंस का मतलब होता है घाटी, ठीक है, ऐसी घाटियों में बनाया जाता है जिनके किनारे ना दोनों तरफ सॉलिड रॉक वॉल्स होती हैं। कंस्ट्रक्टेड इन कैनियंस ओनली विद सॉलिड रॉक वॉल्स, यानी कि अच्छा हम ऐसी घाटियों में बनाते हैं जिनके अगल बगल या तो बहुत सारी बड़ी रॉक फॉर्मेशन हो, या हम वहां पे अगर रॉक फॉर्मेशन है भी तो भी हम उसको वॉल की तरह फॉर्म कर सकते हैं, अगर नहीं है तो करेंगे, वरना रॉक फॉर्मेशन है तो बस है, ठीक है, उससे हमारा काम हो जाएगा। दोनों तरफ घाटी की दोनों तरफ अगर रॉक फॉर्मेशन है, सपोज जैसे ये, ठीक है, ये दो रॉक फॉर्मेशन हैं और ये हमने बीच में डैम बनाया, तो ये डैम जो है वाटर लोड इस तरफ ट्रांसफर करेगा इस रॉक फॉर्मेशन के लिए, और इस तरफ ट्रांसफर करेगा इस रॉक फॉर्मेशन के लिए, यानी ये दोनों तरफ ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और ये बीच में अगर हमारा डैम है तो ये इस तरीके से दोनों तरफ वाटर लोड को ट्रांसफर करेगा। आ गया होगा समझ? ठीक, तो वही लिखा है यहाँ कंस्ट्रक्टेड, अच्छा वो तो पहले वाली लाइन थी, दूसरा है कंस्ट्रक्टेड इन कैनियंस ओनली विद सॉलिड रॉक वॉल्स दैट आर एबल टू रेजिस्ट प्रेशर ऑफ द डैम। ये ऐसी घाटियों में बनाया जाता है जहाँ की जो दोनों तरफ की वॉल होती है या जो रॉक होते हैं वो डैम का प्रेशर सह सके, यानी कि डैम पे जितना भी प्रेशर पड़ रहा है उसको सह सके और उसको रेजिस्ट कर सके, उसको रोक सके। बिकॉज द कैनियन वॉल बियर द बल्क ऑफ द लोड आर डैम्स आर थिनली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि ये जो ये दोनों वॉल है किनारे में ये पूरा का पूरा लोड सहती हैं, ये लोड सहती हैं, तो जो आर्क डैम्स होते हैं ना, ये जो डैम होते हैं ये बहुत पतले होते हैं, जैसे कि पेंसिल भी काफ़ी पतली है इसी तरीके से ये डैम भी काफ़ी पतले होते हैं, बस ये सीधे नहीं होते हैं, ये आर्क की तरह होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं डैम, ठीक है, पेंसिल सीधी है, मेरे पे कुछ आर्क अभी है नहीं यार ऐसा पड़ा हुआ जिससे मैं दिखा दूँ, ठीक है, इनको पतला बनाया जाता है रिक्वायरिंग लेस मटीरियल देन अदर टाइप्स ऑफ डैम, ठीक है, और इसका और इसी की खासियत की वजह से या इसी विशेषता की वजह से, विशेष इसमें यह है कि इस पे बाकी डैम के मुकाबले कम मटेरियल लगता है, क्योंकि जो अगल बगल के रॉक फॉर्मेशंस होते हैं वो रॉक फॉर्मेशंस क्या करती हैं, लोड को सहती हैं, ना कि डैम, ठीक है, डैम बस उस लोड को ट्रांसफर करता है अगल बगल वाली रॉक फॉर्मेशंस को, ठीक। एग्जाम्पल है इदुक्की डैम इन केरला, ठीक है, अब आर्क डैम का डायग्राम, हाँ ये रहा देखो आर्क डैम का डायग्राम, ये है वाटर लोड, ये इसको नीचे तो मैंने गलत बना दिया है, यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन होती है, उनको ट्रांसफर करता है ये, ठीक है, हाँ शायद कुछ नीचे भी करता है थोड़ा बहुत परसेंट, और बाकी ये ज़्यादातर परसेंट ही अगल बगल वाले रॉक फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, एक रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे होगी एक रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, दोनों को ये लोड ट्रांसफर करेगा और थोड़ा बहुत नीचे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब जो आखिरी तरीके का डैम हम देखने वाले हैं वो है बटरेस डैम, यहाँ कहीं मैंने आर्क डैम लिखा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है हमारा बटरेस डैम। अब देखो उसके बटरेस डैम क्या होते हैं, अगर बटरेस डैम की हम बात कर रहे थे तो देखो अगर हम इसको और इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखें तो इनकी शेप एक जैसे दिख रही है, ये भी यहाँ से नीचे को है ये भी यहाँ से नीचे को है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है और ये बीच से हॉलो है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ से खाली रहते हैं ये देखो, ठीक है, तो जो ये जो शेप्स बनती है ना, ये जो बीच में है, ठीक है, ये जो दीवार बनी हुई है यहाँ पे, इनको बोलते हैं बटरेसेस, एक दो तीन चार बटरेसेस, ठीक है, या दो बटरेसेस जो भी है, ठीक है, ये हमारी बटरेसेस हैं, ठीक है, एक दो तीन चार बटरेसेस हैं इसमें, ये बटरेसेस जो है पानी के, जो यहाँ से पानी का लोड पड़ता है इस तरफ को उसके लिए सपोर्ट होता है, उस पानी को रोकने के लिए ये सपोर्ट होता है डैम को, उस पानी को रोकने के लिए ये बटरेसेस डैम की मदद करती हैं रोकने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी खासियत, बटरेस तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट, ठीक है, ये री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट की बनाई जाती है, यानी री इन्फोर्स मतलब प्रबलित, सपोर्ट या स्ट्रेंथन, ऐसा कंक्रीट जो सपोर्ट और स्ट्रेंथन करे, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट, दूसरा डिजाइन टू ट्रांसफर वाटर लोड बोथ डाउनवर्ड एंड टू द बटरेसेस, अब ये वाटर लोड नीचे करता है ट्रांसफर, वाटर लोड को ये नीचे ट्रांसफर करता है और बटरेसेस को ट्रांसफर करता है ताकि जब बटरेसेस इसमें वापस से लगाए तो वो पानी थम जाए, ठीक है। हॉलो ग्रेविटी डैम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हॉलो ग्रेविटी डैम की तरह होते हैं विद सॉलिड अपस्ट्रीम फेस, जिसका अपस्ट्रीम फेस तो सॉलिड होता है, ये देखो अपस्ट्रीम वाला से फेस जो है ये अपस्ट्रीम है, यहाँ वाला फेस तो पूरा सॉलिड है, एंड ए बटरेसेस डाउनवर्ड साइड, और नीचे की तरफ बटरेसेस है यहाँ पे, ठीक है,
वही हॉलो ग्रेविटी डैम विद ए सॉलिड अप स्ट्रीम फेस एंड ए बटरेसेस डाउन स्ट्रीम साइड। ठीक, अब लास्ट में ये है, बटरेसेस होता क्या है? बटरेसेस आर सपोर्ट्स दैट ट्रांसमिट द वाटर फोर्स टू ए बेडरॉक फाउंडेशन। बटरेसेस एक सपोर्ट होते हैं जो कि वाटर का जो फोर्स होता है या प्रेशर होता है उसको बेडरॉक फाउंडेशन, जो नीचे जो बेड होता है उसको ट्रांसफर कर देता है, जो बुनियाद में जो बेड होता है उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका लिटिल रॉक डैम। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ही होने वाली है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एक बार मैं मेहनत से बनाए हुए डायग्राम आपको फिर से दिखाने वाला हूँ। एम्बैंकमेंट डैम, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था टिहरी डैम और बारासूरा सागर डैम जो कि कालपेटा में है। यह है हमारा ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम का मैंने एग्जाम्पल दिया था भाकरा नंगल डैम। ठीक है, सतलुज रिवर के अक्रॉस बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा डैम जो मैंने आपको बताया था वो था आर्क डैम। ठीक, आर्क डैम ये मैंने बताया आपको इदुक्की डैम केरला, और आखिर में मैंने बताया बटरेस डैम, बटरेस डैम जो है हमारा लिटिल रॉक डैम। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, कमी है तो बताओ, अच्छा लगा तो वो भी बताओ, क्योंकि तारीफ होती है तो काम करने का मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, और क्या क्या बोलते हैं एंकर लोग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।